हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज से स्टार्ट करने वाले आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर। आपको मैं चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाते हुए इस केमिस्ट्री के सेकेंड ईयर को मैं क्लियर करूंगा कि आपको किसी भी टॉपिक पर कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का क्या सब्जेक्ट, जो आपको चैप्टर नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। कौन सा स्टेट? सॉलिड स्टेट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं डेली आपको ऐसे ही वीडियो में आपको अपलोड करते रहूंगा और ऐसे अपलोड होते ही रहेगा, क्योंकि यह सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया है। आपको अब जोर तोर से पढ़ना है और मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं केमिस्ट्री के शुरू से लेकर अंत तक में आपको हर एक टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई डाउट न रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सॉलिड स्टेट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, कहेंगे नहीं तो कहिएगा सर कि क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वीडियो पर मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा दूंगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आज हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर है लिखा है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर आपको सॉलिड स्टेट होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे ठोस अवस्था होता क्या है। देखिए, मैटर तीन प्रकार का होता है, पदार्थ जो है तीन प्रकार का होता है, पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। जिसमें पहला आता है आपका ठोस सॉलिड, दूसरा आता है द्रव लिक्विड, और तीसरा आता है गैस, ठीक। यानी कि कोई भी मैटर जो है, यहां पर मैटर जो है फिजिकल स्टेट है। मैटर का फिजिकल स्टेट कितने प्रकार होता है, तीन प्रकार होता है, थ्री काइंड्स के होते हैं मैटर्स सब्सटेंस, जिसमें पहला आपका क्या है सॉलिड, दूसरा क्या है लिक्विड, तीसरा क्या है गैस। यहां पर बात करेंगे कि ठोस अवस्था, यहाँ पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, जिसमें ठोस है, द्रव है और क्या है गैस है। उसी में एक प्रकार है जिसको नाम है सॉलिड, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है, यानी सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉलिड होता क्या है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है, पदार्थ की भौतिक अवस्था है, पदार्थ की क्या है भौतिक अवस्था है, जिसका जिसका आकृति और आयतन, आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि सॉलिड किसे कहेंगे, तो सॉलिड जो है पदार्थ की फिजिकल स्टेट है, जिसमें पदार्थ की शेप और वैल्यू, शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, डिफिनिट होता है। यानी कि सॉलिड क्या है, पदार्थ की वह फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट है जिसमें पदार्थ की शेप और क्या, शेप और क्या, शेप और वैल्यू, शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्योंकि मैं किसी भी ठोस को अगर हम किसी भी ठोस को अगर हम कहीं भी रखते हैं तो जितना उसका मास है उतना ही स्पेस को छेक सकता है, ऑक्युपाइज कर सकता है, और उसकी आकृति जो है वही आकृति रहेगी, यानी कि दोनों डिपेंड होता है, यानी कि आकृति भी नहीं बदलेगा और ना ही उसका आयतन बदलेगा, यानी कि दोनों क्या होता है, डिपेंड होता है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है।
तो यहाँ पर ठोस हो गया कि ठोस पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है जिसमें पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकृति और आयतन दोनों को कहते हैं निश्चित होता है। जैसे बहुत से ठोस देखे हैं, लकड़ी ठोस है, ईंट ठोस है, चौक ठोस है, बहुत प्रकार ठोस होते हैं। तो ठोस का क्या होता है, ठोस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ठोस, ठोस के गुण, ठोस के गुण प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठोस के गुण क्या है, ठोस क्या होता है कि ठोस, पहले तो हम जाने कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, डिपेंड होता है। तो सबसे पहला बात होगा कि इसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकृति और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इसके कणों के बीच आंतराणविक स्थान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक, इसके कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है। फोर्थ नंबर में क्या हो गया, इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक, यहां पर हो गया कि हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड प्रॉपर्टी क्या है कि इसका शेप और वैल्यू दोनों का होते हैं डिपेंड होता है। इसके कण के बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है, उसके बीच यानी कि ठोस के कणों के बीच स्थान खाली क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, पास होते हैं। यहाँ पर इसके कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच एक दूसरे से बंधे होते हैं, दूसरे से चिपके होते हैं, किस चीज के करते हैं, अंतराणविक आकर्षण बल के कारण। तो अंतराणविक आकर्षण बल ठोसों के कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसका मतलब उनके अंतराणविक आकर्षण बल इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक, और भी इसकी प्रॉपर्टी है, पांचवा प्रॉपर्टी है कि ये बहते नहीं है, ये बहते नहीं है। छठा प्रॉपर्टी है, ये असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता, यानी कि ठोस के कण बहुत पास होते हैं, यानी कि मजबूत आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये फ्लो नहीं कर सकते हैं, यानी कि ठोस बहते नहीं है, यानी कि जो भी ठोस है वो बह नहीं सकते हैं, पृथ्वी पर बह नहीं सकते हैं। उस सिक्स नंबर में है कि ये असंपीड्य होते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी, ये रिड होते हैं, इनके रिजिड होते हैं, क्यों,
इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब कि असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब क्या होता है, उसको हम प्रेशर देकर दबा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ठोस क्या है, ठोस को हम दबा नहीं सकते, जैसे ईंट है ईंट को नहीं दबा सकते, लकड़ी है लकड़ी को नहीं दबा सकते, चौक है चौक को दबा नहीं सकते, यानी कि उसकी शेप जो है वही रहेगा, उसको दबा भी सकते हैं तो वो दब नहीं पाएगा, यानी कि इनकम्प्रेसिबिलिटी होते हैं। यानी कि ठोस की एक प्रॉपर्टी हो गया कि ठोस की पहला प्रॉपर्टी क्या था, बोलिए साथ में बोलिए, कि ठोस की पहला प्रॉपर्टी क्या था, इसके आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, दोनों डिपेंडेंट होते हैं, हो गया। उसके बाद है कि उसके बाद में बताया कि इसके अंतरावरणीय कणों के स्थान बीच क्या होता है, बहुत कम होता है, इनके बीच मजबूत आकर्षण बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, ये बहते नहीं है, क्या करते हैं, बहते नहीं है, यानी कि फ्लो नहीं करते, पृथ्वी पर फ्लो नहीं कर सकते। इसके बाद से क्या है कि ये असंपीड्य होते हैं, यानी इनकम्प्रेसिबिलिटी होते हैं। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको ठोस को हम दबा नहीं सकते, यानी कि ये हो गया ठोस के कुछ क्या हो गए, प्रॉपर्टी हो गए। यानी कि ठोस के कण जो है, ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये मानिए कि ठोस कण है, क्या चीज है, ठोस के ये क्या है, कण है, ठोस के सॉलिड के क्या है, पार्टिकल है, जो नियर में होते हैं, यानी कि इन ठोसों के कणों के बीच जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अंतरावरणिक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस। यानी कि ठोस के कणों के बीच जो ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, बहुत कम होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है, इसका मतलब क्या, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से प्लास प्लास क्या है, नियर में है, नियर में है, तो जब नियर में है तो इनके बीच क्या फोर्स ज्यादा रहेगा, इसे इनके बीच क्या है, फोर्स ज्यादा है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनके कण के बीच की दूरी ज्यादा गैप नहीं होती है, यानी इसको हम दबा नहीं सकते। तो ये हो गया आपके सॉलिड की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, वो भी पढ़ लेते हैं, तब हम फिर बैक जाएंगे, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, हमको बस ये पढ़ना है कि हमको सॉलिड स्टेट पढ़ना है, लेकिन सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो आपको किसी मैटर के स्टेट से निकला है, इसलिए उसमें हम क्या करेंगे, द्रव और लिक्विड और गैस का भी हम प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। लिक्विड क्या है, लिक्विड क्या है, पदार्थ की एक भौतिक अवस्था है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था यानी मैटर की वह फिजिकल स्टेट है जिसका आकृति यानी शेप, शेप क्या होता है, अनिश्चित और आयतन क्या होता है, निश्चित, निश्चित होता है। यानी कि पदार्थ की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है, जिसमें शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, और वैल्यू क्या होता है, डिफिनिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड को हम, लिक्विड को किसी भी क्या करते हैं, लिक्विड को किसी भी हम अगर बर्तन में रखते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं, किसी भी बर्तन में रखते हैं तो वह उसी के आकार को ले लेता है, उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वह क्या होगा, निश्चित होगा। ओके, यहां पर क्या है, ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक ये आपको क्या है, ग्लास है। इस ग्लास में हम मान लीजिए कि एक लीटर हम वाटर रख दिए, ठीक। तो जब हम एक लीटर को वाटर को ग्लास में रखें तो यहां पर क्या है, ग्लास के शेप को ले लिया, ठीक। उसी ग्लास को अगर हम दूसरे बर्तन में रखते हैं तो उसका शेप लेगा, लेकिन उसका वैल्यू तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वैल्यू क्या चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें लिक्विड का अमाउंट कितना है, 1 लीटर है, तो हमेशा 1 लीटर ही होगा,
यानी कि इसके कह सकते हैं कि लिक्विड का जो हमारा शेप है वह डिफिनिट नहीं होता है और आपका वैल्यू जो क्या होता है, डिफिनिट होता है, यानी कि यह है लिक्विड स्टेट। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट या लिक्विड। तो लिक्विड जो है ठोस से थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे द्रव के कुछ गुण, द्रव के गुण प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो पहले हमें ये जानने की प्रॉपर्टी लिक्विड में क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है कि इसका शेप, शेप यानी आकृति अनिश्चित होता है और आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, निश्चित होता है। सबसे पहला तो पॉइंट ये हो गया, सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका शेप जो है इंडिफिनिट होता है, वॉल्यूम जो है डिफिनिट होता है। दूसरा हो गया इसका, इसके कणों के बीच यानी लिक्विड के पार्टिकल के बीच आंतरणविक स्थान, आंतरणविक स्थान का मतलब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा यानी सॉलिड की रेस्पेक्ट में बोलेंगे, सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड जो है थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो इनके बीच स्पेस क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जब स्पेस ज्यादा है तो इनके बीच फोर्स क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या होगा, कम होगा, यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। क्यों, जब फोर्स कम होगा तो उसके पार्टिकल थोड़ा सा क्या होंगे, दूर होंगे, इसलिए इनको कणों के बीच इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है किसी तुलना में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में। थर्ड नंबर में है इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा कम होता है। यानी कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में होता है, उसके बाद क्या होता है, लिक्विड में होता है। ये हो गया आपका कि इनके कणों के बीच आंतरणविक स्थान इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। फिर इनके कणों के बीच जो इंटरमोलिक्यूलर क्या है, फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर क्या है, फोर्स है, सॉलिड की अपेक्षा में क्या होता है, कम होता है। ये हो गया तीन प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी है इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी गलनांक और क्वथनांक, यानी मेल्टिंग और क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा या सॉलिड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। पांचवा है कि जब ये लिक्विड है तो ये फ्लो करेंगे, यानी ये बहते हैं, चूंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड को पृथ्वी पर देखेंगे तो क्या होता है, मतलब कि फ्लो करते हैं, उनकी बहते हैं। सिक्स में है ए संपीड्य होते हैं, ये संपीड्य होते हैं, यानी अर्थात इन्हें दबाया जा सकता है, यानी ये क्या होते हैं, असंपीड्य नहीं, संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी होता है जैसे बंद बोतल हो और बंद बोतल में क्या वाटर रखा हो तो हम उसको क्या करते हैं, दबा सकते हैं, यानी इनको कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे, यानी कि इसको हम दबा सकते हैं। तो ये हो गया आपका द्रव के लिक्विड के प्रॉपर्टीज
लिक्विड के प्रॉपर्टीज, ये आपके सिक्स तरफ है। तो ये हो गया आपके लिक्विड की प्रॉपर्टी। लिक्विड की प्रॉपर्टी में सबसे पहला क्या था, इसका शेप अनडिफिनिट, वैल्यू डिफिनिट। दूसरा क्या था, इसके बीच, इसके पार्टिकल के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, सॉलिड के रेस्पेक्ट में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, सॉलिड के रेस्पेक्ट में कम होते हैं, चूँकि ये लिक्विड है तो फ्लो करते हैं, और चूँकि ये लिक्विड है तो इनको कंप्रेस भी किया सकता है, यानी कि दबाया जा सकता है। ऐसे मतलब कि लिक्विड को हाथ में लेकर नहीं दबा सकते हैं। जब किसी बंद में, यानी कि बोतल बंद हो, यानी कि बंद किसी डार्क में होगा, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दबा सकते हैं। तो फोर्स तो सभी दिशाओं में लगेगा लेकिन दब सकता है। तो ये हो गया आपका लिक्विड की प्रॉपर्टी। थर्ड हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपका गैस है। गैस को पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे सॉलिड स्टेट की ओर, जिसमें पहला आपका सॉलिड स्टेट ही है, लेकिन सबसे पहले इसके तीन स्टेट हैं, जिसमें थर्ड नंबर क्या है, गैस है। गैस क्या है कि पदार्थ की वो भौतिक अवस्था है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था, यानी किसी भी मैटर का वह फिजिकल स्टेट है, जिसका शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होता है। जैसे कोई भी गैस ले सकते हैं, ऑक्सीजन गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, कोई भी गैस, ठीक। यानी कि यह गैस जो है फिजिकल स्टेट है किस चीज का, मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट में क्या है, यह ऐसा सब्सटेंस, ऐसा फिजिकल स्टेट है जिसका शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, अनडिफिनिट होता है। यानी कि गैस को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वह क्या करेगा, इसमें यह है कि उसका वैल्यू, मतलब जैसे जैसे उसके बर्तन को कन्वर्ट करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, बदलते जाएगा, यानी कुछ ना कुछ अमाउंट उसका कम हो जाएगा। और उसका शेप, यानी कि जिस चीज में रखेंगे उसका शेप लेगा, बैलून में रखेंगे तो बैलून का शेप लेगा, टायर्स में रखेंगे तो टायर का शेप लेगा। यानी कि जिस तरह के सब्सटेंस में उसको, गैस को डालेंगे उसका शेप लेगा, लेकिन जैसे उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू में क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी इसलिए कहा जा सकता है कि इसका शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। आपकी तरफ, आपको चारों तरफ से बहुत से भी गैस मिल सकते हैं जिसको आप उदाहरण में ले सकते हैं। अब इसमें है कि गैस के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहले तो ये हो गया कि आयतन और आकार, आकार ना कहें आकृति कहें, आयतन और आकृति दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच स्थान, यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। गैस में इसके कणों के बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसके कणों के बीच, इसके कणों के बीच आकर्षण बल, यानी आकर्षण मतलब वही इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे क्या होता है, कम होता है, सबसे कम होता है। और फोर्थ नंबर में आ जाएगा कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं, ये बहते नहीं हैं, उड़ जाते हैं, इन उड़ते हैं, इन फ्लो नहीं करते हैं, फ्लाई करते हैं। और पांचवा है कि इनको कंप्रेसिबिलिटी क्या, इससे भी कंप्रेस किया जाता है, क्योंकि जैसे सिलेंडर में गैस, सिलेंडर में जो हमारा एलपीजी गैस होता है, एलपीजी गैस को हम कंप्रेस करके उसको दूसरे सिलेंडर में हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, यानी कि उसमें पैक कर देते हैं। यानी कि ये हो गया
क्या गैस के प्रॉपर्टी। तो हमने देखा कि सब्सटेंस जो है तीन तरह के होते हैं, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो जिसमें हमको मैं आपको बताने के लिए बता दिया कि सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लिक्विड और गैस में क्या केवल है। मैंने इसको कंपेरिजन किया कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड और गैस का क्या रिलेशन है, मतलब क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो इसलिए मैंने इसके टॉपिक में आया, तो मैं इसको प्रूफ करके आपको सॉल्व करके मैंने बताया कि क्या इसमें तीनों में डिफरेंस है। हमको बात करना सिर्फ सॉलिड स्टेट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में जान गए कि सॉलिड स्टेट होता क्या है, सॉलिड स्टेट क्या है, यह पदार्थ एक फिजिकल स्टेट है। इसमें फिजिकल स्टेट में तीन चीज आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं फिर बैक, क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। तो मैंने बताया कि सॉलिड स्टेट पदार्थ की फिजिकल स्टेट है, जिसका शेप और वैल्यू दोनों क्या होता है, डिपेंड होता है। अब होता है कि अब हम आपको बात करने वाले हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस जो है वह तीन तरह के चीजों से बना हुआ है। कितने तरह के, तीन चीजों से। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस किसी भी चीज से बना हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी अवयवी कण। अवयवी कण, अवयवी कण क्या होता है, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। यानी कि कोई सब्सटेंस जिन कणों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण ऐसा कह सकते हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। यानी कि कोई सब्सटेंस किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, उसमें एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन तीन तरह के कोई चीज आ सकते हैं। यानी हम उसको एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन ना करके हम क्या कहेंगे, सिर्फ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि किसी भी सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस तरह से है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर सॉलिड को दो पार्ट्स में क्या क्या डिवाइड किया गया है। सॉलिड कितने पार्ट्स में डिवाइड पर किया है, दो पार्ट्स में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस में कितने भाग बांटा गया है, दो भाग बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहाँ पर CRYSTLIN, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीय सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि हमने देखा कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, कैसे, किसके बेस पे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर यहाँ पर हम सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि उसकी संरचना, उसकी गुण। तो दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या है, पहला नाम क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा नाम क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करने वाले हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी पदार्थ जो है तीन चीज से बना है, परमाणु, अणु और आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, तीन चीज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आपका है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वैसे ठोस जो परमाणु अणु तथा आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं, तथा जिनका एक निश्चित ज्यामितीय क्या होता है, आकृति होता है।
यानी कि वैसे सॉलिड जो एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स से मिलकर बने होते हैं और जिनके एक निश्चित शेप और यानी एक निश्चित यानी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण जो होते हैं कंसिक्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनके शेप क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल शेप में होता है, डिफिनिट होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस क्या हो गया कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु अणु आयन से मिलकर बने होते हैं तथा उनका एक निश्चित यानी कि ज्योमेट्रिकल क्या होता है, शेप होता है। तो यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस का ज्योमेट्रिकल शेप होता है यानी कि डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे हम बात करें ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का एक अपना ज्योमेट्रिकल शेप होता है, हीरा का अपना ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे हम साल्ट का बात करें तो साल्ट का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, जैसे यूरिया का बात करें तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है। यानी कि ये ऐसे सॉलिड है जिनका ज्योमेट्रिकल शेप होता है ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप में क्या होता है, जैसे कि या तो घनकार होगा, चतुर्भुजकार होगा, पिरामिडल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऐसे शेप होते हैं। तो क्या किस तरह के शेप होते हैं, जब उसके हम सॉलिड के आगे आ जाएंगे तो आपको पता होगा किस तरह के कैसे कैसे सॉलिड में कैसे कैसे शेप हो सकते हैं। यानी कि बस आप यही जाने कि क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस है जिनके अवयवी कण, अवयवी कण क्या होते हैं, जिन कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, जिन कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे हैं। यानी कि सॉलिड क्रिस्टलीन सॉलिड ऐसे सॉलिड हैं जिनके अवयवी कण परमाणु अणु आयन से मिलकर बने होते हैं लेकिन उनका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी कि निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे आपका ग्रेफाइट है, हीरा है, साल्ट है, यूरिया है, ठीक, ये सब क्या है ज्योमेट्रिकल शेप में, इनका अपना अपना ज्योमेट्रिकल शेप होता है। यानी कि ये क्या हो गया क्रिस्टलीय ठोस, उसी का ऑपोजिट में बोल देंगे और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं कि वैसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, यानी कि क्या कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है। यानी कि ये भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन से मिलकर तो बने होते हैं लेकिन इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहें या एमॉर्फस सॉलिड कहें। जैसे आपको एग्जाम्पल में मैं दे दूं, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ठीक, पॉलीमर है, पॉलीमर बहुलक, ग्लास है, ठीक, ये हो गया आपका क्या किस तरह के सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस है। यह जैसे कि प्लास्टिक है, बहुलक है, ग्लास, इनका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है क्योंकि यह अलग अलग शेप में विभिन्न प्रकार के शेप में पाए जाते हैं क्योंकि इनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। यानी कि ये हो गया इनका कोई शेप नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलीय ठोस में दोनों में क्या अंतर होता है, तब हम नेक्स्ट चलेंगे कि इनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस,
एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि हम देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। यही हमारा टॉपिक है लास्ट, इस पर हम वीडियो को अंत कर देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, क्रिस्टलीय है, और यहाँ पर क्या है, अक्रिस्टलीय है। ये भी ठोस है और ये भी क्या है, ठोस है। ठीक, पहले तो हमने देखा कि इसका जो ज्यामितीय आकृति होता है निश्चित होता है, यानी कि इनका ज्यामितीय आकृति होता है, यानी कि क्रिस्टलीय सॉलिड का ज्यामितीय आकृति होता है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, डिफिनिट होता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका अपोजिट, मतलब जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके ज्योमेटिकल शेप डिफिनिट होता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का ज्योमेटिकल शेप डिफिनिट नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर हो गया, दूसरा में यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इनका, इनके कणों के बीच, इनके कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है इनके कणों के बीच लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट पाया जाता है। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, ए सॉलिड है, तो ए सॉलिड जो है दो पार्टिकल से बना है, जैसे मान लीजिए ए पार्टिकल और बी पार्टिकल, तो हमेशा ए बी ए बी ए बी ऐसे आएगा। यानी कि ये लॉन्ग रेंज में दो पार्टिकल्स अगर ये बना है, ए और बी दो पार्टिकल्स अगर कोई सॉलिड बना है, तो यह ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके लॉन्ग रेंज तक आएगा, जिसका नाम क्या है, दीर्घ परासी व्यवस्था। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है, लघु परासी व्यवस्था होता है। थर्ड नंबर में हो जाएगा, इनके कण, इनके कणों में वही नियमित व्यवस्था पाई जाती है, नियमित व्यवस्था पाई जाती है। नियमित व्यवस्था मतलब इनका जो अरेंजमेंट है, कणों का अरेंजमेंट होगा क्या है, रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब यही चीज हुआ, रेगुलर मतलब क्या हुआ, सेम एक दूसरे के ऑर्डर में होंगे, यानी कि एक दूसरे का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब जिस ऑर्डर में वो अरेंजमेंट होंगे उस ऑर्डर में उनका क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का जो इनके कणों के बीच जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, वह रेगुलर नहीं होता है, नियमित नहीं होता है, अनियमित होता है। ठीक, चौथा हो जाएगा, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। जब इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहते हैं, और इन्हें वास्तविक ठोस भी कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं, और साथ साथ एक चीज और भी कहते हैं, इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित, अतिशीतित द्रव का मतलब क्या हुआ, सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस में सुपर कूल लिक्विड का मतलब क्या होगा कि जब अक्रिस्टलीय ठोस को हम हीट करेंगे तो डायरेक्ट जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, सबसे पहले वो क्या, वो मेल्ट होगा, यानी कि सबसे पहले वो पिघलेगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा, उसके बाद से वो बदलेगा। इसलिए अचानक ये नहीं होता है, धीरे धीरे पहले ये मेल्ट होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, यानी कि अचानक ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए इसके कारण हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं, इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं, या अतिशीतित द्रव कहते हैं। फाइव नंबर में है, फाइव नंबर में ये हो जाएगा कि इन्हें
ऐसे कहेंगे, इन्हें विषमदैशिक कहते हैं, विषमदैशिक, इन्हें विषमदैशिक कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, विषमदैशिक, जब क्रिस्टलीय ठोस को जब क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहते हैं, समदैशिक कहते हैं। समदैशिक का मतलब क्या हुआ, जैसे विषमदैशिक का मतलब समझिए कि कुछ पदार्थ के कुछ फिजिकल स्टेट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, तनन क्षमता है, चालकता है, किसी भी दिशा से, मतलब इस क्रिस्टल के किसी भी दिशा से अगर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो अगर अगर भिन्न भिन्न आता है, यानी कि विषमदैशिता का मतलब क्या है, तो समझ लें कि विषमदैशिता क्या है, ये पदार्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक अपना है फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कुछ पदार्थ कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, चालकता है, तनन क्षमता है, इसको किसी भी दिशा से हम क्या करते हैं, अगर स्टडी करते हैं तो भिन्न भिन्न आएगा, यानी कि अपवर्तनांक भी भिन्न आएगा, कंडक्टिविटी भी अलग आ जाएगा, स्ट्रेंथ भी अलग आएगा, तनन क्षमता भी अलग आएगा। तो अगर डिफरेंट आता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न होता है, तो क्रिस्टलीय ठोस में जब अगर भिन्न भिन्न अगर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, विषमदैशिकता, विषमदैशिकता। लेकिन वही चीज अक्रिस्टलीय ठोस में किसी भी दिशा से अगर हम चेक करते हैं, किसी भी दिशा से चेक करते हैं, चालकता, तरंग क्षमता और आपका अपवर्तनांक, यानी कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी अगर सेम आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, समदैशिकता। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या कहेंगे, विषमदैशिकता, और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहेंगे, समदैशिकता। विषमदैशिकता का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं जिसको, जैसे कि अपवर्तनांक हो गया, तरंग क्षमता हो गया, चलकता हो गया, इसको किसी भी दिशा में, उस क्रिस्टल के किसी भी दिशा के किसी भी डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, अगर मापेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो भिन्न भिन्न आएगा, इसलिए विषमदैशिकता, और सेम आएगा, समान आएगा, तो क्या कहेंगे, समदैशिकता। कुछ और भी प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता रहा हूं, तो पांच टॉपिक हो गए कि इनमें क्या विषमदैशिकता है और इसमें क्या है, समदैशिकता है। सिक्स नंबर में है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, सिक्स नंबर में क्या है, इनके गलनांक फिक्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड होते हैं, क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, निश्चित होते हैं। और सेवेंथ नंबर में हो गया, इनमें अस्पष्ट विदलन, अस्पष्ट विदलन का मतलब क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज क्या है, मैं अभी बात करेंगे, इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है, यानी कि क्रिस्टलीय जो सॉलिड है इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम हीट करेंगे तो वह किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर ही मेल्ट होगा, लेकिन ये जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस है ये पहले क्या करेंगे, अचानक नहीं होते, पहले धीरे धीरे पहले कहते हैं मेल्ट होंगे, इसका कोई टेम्परेचर की तुलना ही नहीं है, पहले किस टेम्परेचर पे ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम निश्चित होता है, डिपेंड होता है कि इनका टेम्परेचर फिक्स है कि इतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट होंगे, लेकिन यह पहले नरम होता है। अक्रिस्टलीय ठोस पहले क्या होगा, जैसे प्लास्टिक को ही मान लें, प्लास्टिक को अगर हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट वो क्या मेल्ट नहीं होगा, पहले वो नरम होगा, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि वो मेल्ट होगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड नहीं होता है, इसका डिपेंड होता है। सेवेंथ में कि इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है, अस्पष्ट विदलन का मतलब है क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज का मतलब क्या हुआ कि अगर क्रिस्टलीय ठोस को हम किसी भी डायरेक्शन से काटते हैं, किसी भी डायरेक्शन क्या करते हैं, कट करते हैं, तो एक निश्चित शेप में कटेगा, जिस शेप में क्रिस्टल होगा उसका छोटा सा भी टुकड़ा होगा लेकिन क्या करेगा, एक शेप में कटेगा। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर हम कट करते हैं, चाकू से ही कट करते हैं, तो क्या होगा, एक निश्चित शेप में नहीं कटेगा, जैसे हम प्लास्टिक को ही कट करते हैं तो प्लास्टिक किसी भी शेप में कट जाता है,
लेकिन वहीं अगर हम सोडियम लिथियम पोटेशियम को काटें, ठीक है, ग्रेफाइट को काटें, तो वह क्या हो जाएगा, एक निश्चित शेप में कटेगा। इसलिए ये हो गया आपका डिफरेंट क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंस है। इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, रीड कर लेंगे, रिमेम्बर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने वर्गीकृत, कितने क्लासिफाई किया गया है, मतलब कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उनको डिफिनेशन कैसे देंगे, उसका हम क्या बताएंगे, उसको प्रॉपर्टी क्या क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। थैंक्स, बाय बाय, वीडियो बेस्ट।